अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों मैं मौजूद हूँ इस वक्त ठुल हमज़ा। ठुल हमज़ा जो है ये पाकिस्तान की एक मशहूर शख्सियत और जानी मानी शख्सियत हज़रत मौलाना मक्की अल हिजाज़ी साहब दामत बरकातहुम जो मक्का में रहते हैं और उनका दर्स भी लाखों लोग सोशल मीडिया पे, फेसबुक पे, यूट्यूब पे देखते हैं। उनका अक्सर सवाल जवाब के बयान होते हैं। तो ये उनका आबाई गांव है जहाँ पे मैं खड़ा हूँ और इनकी यहाँ पे एक फ्री हॉस्पिटल बनी हुई है। मेरे बैकग्राउंड में आपको नज़र भी आ रही है, एक यहाँ पे फ्री हॉस्पिटल है और उनका मदरसा भी है। इंशाल्लाह ताला वो भी मैं आपको इसी वीडियो में दिखाता हूँ और आपको उनके बारे में मालूमात भी थोड़ी बहुत फराहम करता हूँ। दोस्तों हज़रत मौलाना मक्की अल हिजाज़ी का शुमार उन खुश नसीब लोगों में है जो हरम शरीफ में दरस कुरान और दरस हदीस देने का शर्फ़ रखते हैं। आपके वालिद का नाम मौलाना खैर मोहम्मद था। आपका ताल्लुक बलोच ख़ानदान से है। आपका आबाई इलाका ठुल हमज़ा है। ठुल हमज़ा की तहसील लियाकतपुर और ज़िला रहीमयार खान है। शेख मक्की अल हिजाज़ी 1940 को मक्कतुल मुकर्रमा में पैदा हुए। आपने इब्तदाई तालीम मक्का मुकर्रमा से ही अपने वालिद साहब से हासिल की। इनके वालिद साहब 1960 में पाकिस्तान से हिजरत करके मक्का मुकर्रमा तशरीफ ले गए थे। आपके वालिद का इंतकाल 1974 में हुआ और आपको जन्नतुल माला में सैयदना खदीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के करीब दफन किया गया। हज़रत शेख मक्की अल हिजाज़ी साहब ने इब्तदाई तालीम मक्कतुल मुकर्रमा से हासिल की और कुरान पाक भी अपने वालिद साहब से हिफ्ज किया मक्का मुकर्रमा में, और बाद में पाकिस्तान के मदरसा कमानिया में मौलाना मंजूर अहमद नुमानी रहमतुल्लाह अलैह से मंतक और दीगर उलूम पढ़े। शेख मक्की अल हिजाज़ी साहब ने पहला हज 1973 में किया था और 1973 से आज तक हर साल हज करने की सआदत हासिल कर रहे हैं। आप हरम शरीफ में तफसीर कुरान, सही बुखारी, सनन नसाई और दीगर अहादीस का दर्स देते हैं। सुबह के वक्त अरबी में और शाम को उर्दू में आपका दर्स होता है। हरम मक्का में हजरत इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह के मसलक की तर्जुमानी का शर्फ़ अल्लाह ने आपको बख्शा है। आपने सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नहायत अहसन अंदाज में बयान फरमाया है जिससे दुनिया के लाखों लोग मुस्तफ़ीद हुए। आपका एक बेटा है जिसका नाम मोहम्मद आरिफ है। आपके हरम के दरूस से मुख्तलिफ किताबें भी शाया हुई हैं जिनमें दरूस हरम, कससुल अंबिया, मिनहाजुल मुस्लिमीन और खुतबात मक्की, इस्लाम में औरतों का मकाम और तफसीर मक्की शाया हुई हैं। तो दोस्तों ये था हज़रत मौलाना मक्की अल हिजाज़ी साहब का मुख्तसर तारुफ। तो इस तरह की मालूमाती वीडियो देखने के लिए मेरी वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।